करेगा उसको आप तुरंत देशद्रोही बोलेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी की रैली से बीजेपी पर जवाबी हमला किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सत्ता के लिए बीजेपी बंगाल के लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है और इसलिए सीएए लागू करने का दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने साथ ही कहा कि बंगाल के लोगों को सीएए को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को भी गुजरात बनाना चाहती है, जबकि राज्य का विकास सिर्फ टीएमसी ही कर सकती है। इतना ही नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अल्पसंख्यकों का वोट बांटने के लिए बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को किराए पर बंगाल में लाने की साजिश रच रही है। बीजेपी की तरफ से भी ममता बनर्जी को जवाब दिया गया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि ममता बनर्जी बंगाल में जितना लोगों को डराएंगी, बीजेपी उतनी ही मजबूती से उभरेगी। जिस तरह की स्थिति बंगाल में उन्होंने बनाई है, ऐसी स्थिति तो कहीं नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है, हम प्रचार कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसी स्थिति नहीं है। वैसी स्थिति ममता जी ने बंगाल के अंदर बनाई, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी, वो जितना डराएंगी उतनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर डरती तो इस मुकाम पर नहीं पहुँचती। ममता जी को जो भी समझा रहा होगा, जो उनको सलाह दे रहा होगा, वो गलत सलाह दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कई राज्य भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बुरी तरह जूझ रहे हैं। वहां तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से समंदर में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही और किनारों पर मौजूद रिहायशी इलाकों पर तह ढा रही। मौसम की मार झेल रहे न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां ताकतवर लहरें भारी भरकम पेड़ों को जड़ समेत उखाड़कर अपने साथ ले जाती थी। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां समंदर की हरकतों पर नजर रखने के लिए तैनात एक कर्मचारी लहरों की चपेट में आने से बाल बाल बचता नजर आया। वहां के कुछ इलाकों में पिछले 5 दिनों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच गया। सड़कें और फुटपाथ सब कुछ पानी में समा गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए कई इलाकों में पहले से जारी बाढ़ की चेतावनी बरकरार रखी गई है। साथ ही लोगों से भी कहा गया कि हालात बिगड़ने पर उन्हें अपने घरों को छोड़ना होगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में लोगों को भारी बारिश से राहत मिल सकती है। किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े दिल्ली के बॉर्डर खुलवाने से जुड़ी एक जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस याचिका में शाहीनबाग मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली की बॉर्डर खुलवाने के निर्देश देने की कोर्ट से अपील की गई है। शाहीनबाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंदोलन के जरिए आम रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है और आंदोलन के लिए एक जगह निश्चित की जानी चाहिए। याचिका में आंदोलनकारियों को सड़क से हटाने की मांग की गई है। सुबह 11 बजे इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद पर फिल्म बनेगी। हॉकी के महान खिलाड़ी रहे ध्यानचंद पर एक फिल्म बनाई जाएगी, जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। पुणे की जेनोवा फार्मा कंपनी को इंसानों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसे मिलाकर अब देश में 6 वैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। ये देश की तीसरी कंपनी है जिसे ये मंजूरी मिली है। एक नया वैक्सीन को इजाद किया है, इंडियन वैक्सीन है। सुप्रीम कोर्ट ने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को जरूरी निर्देश दिए। इनके तहत वो ऐसी किसी भी दवाई का दावा नहीं करेंगे जिसके जरिए कोरोना से ठीक होने का जिक्र हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के डॉक्टरों समेत कुछ संस्थानों पर कोरोना की दवा बेचने का दावा करने का आरोप लगाया गया था। युवराज सिंह ने फिर क्रिकेट में वापसी की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने मोहाली में पंजाब के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास किया। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए पंजाब के 30 संभावितों में युवराज सिंह को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन ने शराब तस्करी के आरोपियों की एक इमारत ढहा दी। इन पर बड़े पैमाने पर शराब तस्करी का धंधा चलाने का आरोप है।